सो हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ IREL इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। फ्रेशर के लिए वैकेंसी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी डिटेल यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ये एक परमानेंट जॉब है यहाँ पे, तो क्या क्या डिटेल है वो सारा यहाँ पे देखेंगे। जो इनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा, जो भी यहाँ पे इनके कंपनीज की ऑफिसेस और रीजनल ऑफिसेस हैं, कहीं पे भी आपको ये पोस्टिंग दे सकते हैं। ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका था इनका 15 सितंबर को ही। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अभी भी यहाँ पे है 5 अक्टूबर 2021। सो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जो भी अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस यानी फाइनेंस पोस्ट के लिए और HR पोस्ट के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं 400 का एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नोट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे SC ST PWD ESM कैटेगरी कैंडिडेट जो भी हैं एंड वुमेन कैंडिडेट्स ऑल्सो एग्जम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो ये यहाँ पे काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है, वुमेन को भी इंक्लूड किया गया है और इंटरनल कैंडिडेट को। नाउ डिटेल ऑफ पोस्ट की यहाँ पे बात करें तो आइए दो तरीके का पोस्ट यहाँ पे जिसको मैं शेयर करने वाले हैं। ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है और ग्रेजुएट ट्रेनिंग यहाँ पे फाइनेंस जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। तो ये कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पे बताया गया है, वो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे। जो स्टाइफेंड आपको मिलेगा, आपको यानी कि इस पीरियड के दौरान यहाँ पे 30,850 रखा गया है प्लस HRA और कंपनी एकोमोडेशन वॉट एवर इज द अप्लीकेबिलिटी, वो यहाँ पे मिलने वाला है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड यू विल गेट द सैलरी ऑफ स्केल 25,000 to 34,000 प्लस HRA DA एंड पर्क्स अलाउंस एंड द कैटेगरी इज देयर S1 ग्रेड। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 26 ईयर्स रखा गया है और रिलैक्सेशन जो है आपको एज पर नॉर्म्स मिल जाएंगे। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस जो कैटेगरी जो ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस है, क्वालिफिकेशन CA इंटरमीडिएट, CM इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट इन कॉमर्स विथ 50% मार्क्स। तो ये 50% मार्क्स अप्लीकेबल सभी के लिए कह सकते हैं, हो सकता है विथ एग्रीगेट ऑफ SC कैंडिडेट एंड 60% मार्क्स फॉर अदर्स, यानी कि जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए यहाँ पे SC कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 60% चाहिए और 60% फॉर अदर्स यानी कि जो नॉन SC कैंडिडेट्स हैं। तो ये केवल अप्लीकेबल होगा ग्रेजुएशन के लिए एंड CA CM इंटरमीडिएट सिंपल क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ग्रेजुएट ट्रेनी HR के लिए यहाँ पे डिसिप्लिन जो है, आपको एनी ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में अपने ग्रेजुएशन किया है और 60% मार्क्स है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के। नाउ मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें यहाँ पे, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका विल बी रिटन टेस्ट, यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट लेवल टेस्ट एंड स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट सेकेंड लेवल टेस्ट होगा। अप्लीकेबल एज अप्लीकेबल यानी जहाँ पे भी ये अप्लीकेबल होता है वहाँ पे ये आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होना है यानी बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फर्दर यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड है तो उसका यहाँ पे स्किल टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है जिस पे भी अप्लीकेबल होगा। आइए वो कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका पैटर्न क्या होने वाला है। सो आप देख सकते हैं फाइनेंस HR दोनों का ही यहाँ पे मेंशन किया गया कि सब्जेक्टिव नॉलेज 50 मार्क्स का होगा आपका एंड पेपर 2 जो होगा यानी कि 100 मार्क्स के पेपर होंगे, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश का पेपर होने वाला है। सो ये दो टेस्ट होने वाले हैं। पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो लोग क्वालिफाइड कर जाएंगे फर्स्ट रिटन टेस्ट में द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट विच इज स्किल ट्रेड और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एज अप्लीकेबल यानी जिनके पे जो अप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाएगा। जहाँ पे अप्लीकेबिलिटी नहीं है वहाँ पे आपको नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि जिस पे अप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है। अब रिटर्न टेस्ट कहाँ कहाँ होगा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, सेंटर मुंबई फाइनेंस HR का देख सकते हैं, त्रिवेंद्रम भुवनेश्वर ये एग्जाम सेंटर दिया गया है। तो अप्लाई नहीं अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन लिंक जो है एप्लीकेशन का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कट ऑफ एज एक्सपीरियंस या जो भी यहाँ पे है आपका रिलैक्सेशन वो आपका एज ऑन 5 अक्टूबर 2020। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वैकेंसी आपके लिए यूजफुल है। CA CM इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल जाते हैं। तो आई होप ये वैकेंसी आपके लिए यूजफुल हो और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बने रहिए लेटेस्ट जॉब।